हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल यूट्यूबर बाबा जी में। तो दोस्तों, आपके लॉकडाउन के दिन कैसे चल रहे हैं। आई होप कोई ज़्यादा खास तो चल नहीं रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आप बोर मत होइए, क्योंकि आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ, आज इस वीडियो में आपको ग्रैंड थी फोटो यानी कि GTA के जितने भी गेम हैं, जितनी भी सीरीज है, वो मैं आपको डाउनलोड करनी सिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, GTA 5, GTA 4, GTA Liberty City, GTA Vice City, GTA पंजाब, GTA जो भी आप कौन सा भी आप गेम खेलना चाहते हैं GTA का, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही इजी तरीके से वो दोस्तों 100% वर्क करता है। तो दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं जिस तरीके से इसमें वीडियो चल रही है, ये कि ये GTA 5 की है, और आप सभी को पता भी है, बहुत बंदों ने ये गेम खेल भी लिया है, और जिस बंदे ने नहीं खेला है दोस्तों, आप इसको खेल लीजिए जल्दी से, लॉकडाउन भी है और आपके पास नेट भी है, तो दोस्तों डाउनलोड कीजिए। और मैं आपको बता दूं, इसका फाइल साइज जो GTA 5 का फाइल साइज है वो 59 GB का है, जो कि इंस्टॉलेशन होने के बाद 125 GB का हो जाता है। तो दोस्तों बहुत ही बड़ा गेम है, ध्यान से डाउनलोड कीजिए और सही से डाउनलोड कीजिए, जिससे कि आपका नेट जो खर्च हो वो ज़ाया ना जा सके। तो दोस्तों आइए अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीम भी शुरू करूँगा GTA 5 की, तो दोस्तों इसको देखना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों सबसे पहले इजीली आपको सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको उसमें सर्च करना है GTA 5, क्योंकि अभी हम GTA 5 ही डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों आइए यहाँ पर लिख लेते हैं GTA 5। दोस्तों अब यहाँ पर सर्च करते हैं GTA 5 को। दोस्तों जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने जो पेज ओपन होगा, उसमें आपको पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको GTA 5 की सारी जानकारी जो इन्फॉर्मेशन वो आपको मिल जाएंगी, जो भी पढ़ना चाहता है आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें तो डाउनलोड करना है, डाउनलोड की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको डाउनलोड करने के लिए GTA 5 फोर PC लिखना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी लिख रहा हूँ, और आप इसको लिखकर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद दोस्तों पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने रॉकस्टार गेम की जितनी भी जानकारियाँ हैं वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना आप मत पढ़िए, आपकी चॉइस है। तो दोस्तों फोर्थ ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए, फोर्थ ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने GTA 5 की जो डाउनलोडिंग फाइल है वो ओपन हो जाएगी, डाउनलोड टोरेंट पर आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक छोटी सी फाइल ओपन होगी, जिसको आप ओपन कीजिएगा, ये डायरेक्टली आपकी टोरेंट में ओपन हो जाएगी, जो कि 50.2 GB है। ये देखिए दोस्तों मेरी ओपन हो चुकी है, और आप सीधा सीधा यहाँ पर ओके क्लिक कर दीजिए। ओके क्लिक करते ही आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड पर लग जाएगी। दोस्तों अभी मेरे को डाउनलोड नहीं करनी है, अभी तो फिलहाल हम इसको स्टॉप कर देते हैं। दोस्तों अब चलते हैं हम GTA 5 के फुल वर्जन के, और फुल वर्जन आपको डाउनलोड करने के लिए आपको फिर से गूगल क्रोम ओपन करना पड़ेगा। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर MediaJio लिखना है, MediaJio लिखते ही आपको यहाँ पर सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको जो इसका सबसे पहला ऑप्शन होगा MediaJio, ये देखिए आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो GTA के जितने भी वर्जन हैं वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे, आप यहाँ से कोई भी वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं सीधा सीधा क्लिक करके, और आप चाहे तो सर्च बार में सर्च भी कर सकते हैं जो भी आप GTA का गेम चाहते हैं। तो दोस्तों आइए मैं आपको यहाँ पर सर्च करके दिखाता हूँ GTA 4। GTA 4 पर सर्च करने के बाद आपके सामने यहाँ पर GTA 4 का जो वर्ज़न है, मतलब पूरा का पूरा वो आ चुका है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट आ चुके हैं, आप इस पर क्लिक कर लेते हैं GTA 4 फुल वर्जन पर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो GTA 4 की फाइल है वे ओपन होकर आ जाएंगी, और आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने इसमें जो भी फाइल ओपन होंगी उनको आपको सभी को इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों आप सभी देख सकते हैं मैंने इस तरीके से फाइल को इसको डाउनलोड किया है, लेकिन अभी मेरे को GTA 4 नहीं चाहिए, क्योंकि GTA 4 मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। और अब हम GTA 5 की ओर चलते हैं। GTA 5 डाउनलोड फोर PC पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने GTA 5 के जितने भी स्क्रीनशॉट्स वगैरह या फिर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों इजीली आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड GTA 5 इन 59 GB बाई टोरेंट, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, और GTA 5 डाउनलोड इन 36.2 GB, यहाँ पर आप क्लिक मत कीजिए, हमको फुल वर्जन चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर क्लिक क्लियर करेंगे 59 GB वाले पर। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ओपन टोरेंट हो जाएगा, जो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, और यहाँ पर मैंने पहले ही एक फाइल अपनी 59 GB की लगाई हुई है, तो इसलिए मैं इसको कट कर दूंगा, लेकिन आप कट मत करिए। आप सीधा सीधा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें ओके पर क्लिक कीजिए, और आपकी 59 GB की जो फाइल है वो आपकी डाउनलोड पर लग जाएगी। और दोस्तों आप इसको डाउनलोड कीजिए और सीधा सीधा इंस्टॉलेशन कीजिए और इस गेम का इन्जॉय लीजिए। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट में जरूर बताना, और आपको इंस्टॉलेशन में कोई भी प्रॉब्लम आए तो भी मेरे को बताना। और दोस्तों लाइव स्ट्रीम देखना मत भूलिएगा, GTA 5 की लाइव स्ट्रीम भी मैं अब शुरू करने वाला हूँ।